एक दोस्त हो यहाँ का सीन है, हम साथ साथ मूवी का नाम। हेलो, नमस्ते, सलाम, कैम्सो, आबाद, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सूर्य मारवाड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ वो है जोधपुर ज़िले के अंदर जसवंतथड़ा, और जसवंतथड़ा पड़ता है जेड पोर्ट के पास में। और इस जसवंतथड़े के अंदर जो मतलब पहले के टाइम में राजा महाराज थे उनके मतलब दाह संस्कार किया जाता था। तो अभी मैं आपको इस लोकेशन पे लेकर आया हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहे, मैं आपको जसवंतथड़ा दिखाऊँगा। और यहाँ पर एक मूवी शूट हो रही है हम साथ साथ, उसका एक गाना है, तो वो गाना यहाँ पर ही शूट हुआ था। तो आप लोगों को उस लोकेशन से जहाँ पे वो शॉट ले रखे हैं वो सब आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। और इस रास्ते से मैं यहाँ से आया था, और ये सीधा रास्ता जाता है आगे मेहरानगढ़ की तरफ, और जो इधर जो रास्ता जा रहा है ये जाता है सीधा जसवंतथड़ा की ओर। वो सामने बना हुआ है राव जोधा का स्टेचू बड़ा सा, तो आपको वहाँ भी ले कर सकता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं जसवंतथड़े को देखते हैं। और एक बात और है दोस्तों, इस जसवंतथड़े को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, और जोधपुर से 250 किलोमीटर दूर जो मकराना है, तो मकराना से जो संगमरण है वो लेकर यहाँ पर आए थे, जो संगमरण का पत्थर है उसी से इस जसवंतथड़े को बनाया हुआ है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में, अपन लोग चलते हैं। और मूवी की जो लोकेशन है, जो हम साथ साथ मूवी है उसका गाना शूट हो रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा, और जसवंतथड़ा है उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, कितना क्या टिकट लगता है सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, अच्छे से अपन लोग जसवंतथड़े को देखेंगे। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से। ये सामने है दोस्तों मेहरानगढ़ पोर्ट, और मेहरानगढ़ पोर्ट पर जहाँ जो रास्ता जाता है उसी रास्ते के अंदर बीच में आता है ये जसवंतथड़ा। तो अभी ये रास्ता इधर जसवंतथड़ा की तरफ मुड़ा है, तो मैं इधर आया हूँ, और ये सामने बनी हुई है राव जोधा की स्टेचू। तो आपको मैं पास में लेकर चलता हूँ और जो स्टेचू है उसको बताता हूँ अच्छे से आपको। आप लोग देखिए वीडियो को, ये देखिए राव जोधा। ये दोस्तों सामने दिख रहा है जसवंतथड़ा। अभी गर्मी का मौसम है, जून का महीना है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है। अभी शाम के 4 बजे हैं। तो क्या है, पहले मैं उधर चित्र पैलेस चला गया था, अभी यहाँ पर आया हूँ। चित्र पैलेस पे हुआ वीडियो आपने देख लिया होगा। ये है दोस्तों राव जोधा की प्रतिमा, आप अपनी आंखों से निहारिए इसे, घर बैठे राव जोधा के स्टेचू देखिए आप, ये देखिए। ये सामने बसा हुआ है जोधपुर शहर, इधर है जोधपुर पोर्ट। चलते हैं आगे, आपको वो सामने दिख रहा है जसवंतथड़ा, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं। दोस्तों हम पीछे से इधर से आते हैं, तो सामने ये एक झील बनी हुई है छोटी सी, जिसमें पानी एकत्रित है, कुछ पक्षी से तैर रहे हैं, और सामने दिख रहा है जसवंतथड़ा। और इधर ये पार्किंग, आप अपनी गाड़ी या बाइक यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, फ्री पार्किंग है। चलते हैं आगे, टिकट वगैरह लेते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर सेल्फी स्टिक या आप ट्राईपोड मोबाइल में लगा कर वीडियो बना नहीं सकते। और सामने जो दिख रहा है वो है चित्र पैलेस, थोड़ा आप जूम करके बताता हूँ आपको, वो देखिए आप। चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर बाद में आपको बताते हैं टिकट की क्या क्या प्राइस है। ये है दोस्तों झील यहाँ पर बनी हुई है, जो लैग इन ए डेजर्ट, इसमें अभी भी पानी है। दोस्तों हमने टिकट ले लिया है, 1 पर्सन का 30 रुपये का टिकट है। और ये अंदर घुसते ही पहले ये यहाँ पर आती है झील, जिसका नाम दे रखा है देवकुंड। और इसके अंदर उतरना बिल्कुल ही मना है, बहुत सारे पक्षी और वो बत्तख वो सभी तैर रहे हैं इसके अंदर। और अपन लोग आगे चलते हैं और जसवंतथड़े को देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो फिर बने रहे वीडियो के अंदर, लेट्स गो। ये है अंदर का नज़ारा, और अंदर घुसते ही यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, ये कुछ पर्यटक आए हुए हैं यहाँ पर पानी पी रहे हैं।
ये विदेश से आए हुए अंग्रेज दसवंथड़ा को देखकर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर ये तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, नीम, ये शायद इमली का होगा। ये है रावण हत्ता, इस सीढ़िया से चढ़ते हैं ऊपर। ये सीढ़ियाँ के ऊपर चढ़ते ये सामने का नज़ारा है। यहाँ पर ये एक बहुत शानदार संगमरमर की डिजाइन से बना हुआ ये पहले यहाँ पर जो दाह संस्कार किया जाता है उनके ऊपर छतरियाँ बनाई हुई है। बहुत सारी छतरियाँ देखी आप। एक दोस्तों यहाँ का सीन है, हम साथ साथ मूवी के अंदर जो गाना शूट हो रखा है उस गाने का आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैं स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और अगर आप गाने को देखना चाहते हो तो वो गाना भी देख सकते हैं। हम साथ मूवी में वो मूवी के अंदर वो कौन सा गाना है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर बाद में आपको बताता हूँ कौन सा गाना है, तो आप लोग उसको भी देखना। और कहाँ से शॉट ले रखा है वो भी आपको दिखाता हूँ अभी आगे। ये है सामने जसवंथड़ा, एक दोस्तों यहाँ का शॉट है उसी गाने के अंदर। और दोस्तों वो गाना है मारे हिमड़ा में नहसे मोहर तक तैया सैया। आगे और कहाँ से सीन ले रखा है वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये इस शानदार फूल लगाए हुए हैं अलग अलग कलर के इस वाटर पूल के पास। यहाँ से आप देखिए मेहरानगढ़ का शानदार व्यू पेड़ के नीचे से। और ये कुछ पर्यटक मेरे साथ आए थे, मेरे दोस्त थक के सूर होके बैठ गए हैं गर्मी के अंदर। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है 1888 से 1895 की यादगार में उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था इस जसवंथड़ा को। और ये स्थान जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों को दाह संस्कार के लिए सुरक्षित रखा गया है। और इससे पहले राज परिवार के सदस्यों का यहाँ दाह संस्कार मंडोर में हुआ करता था। और दोस्तों जो अभी आपने झील देखी थी उस झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने कराया था। अभी मैं जसवंथड़ा के ये जो आंगन है इसके अंदर खड़ा हूँ। और आप इसके बारे में अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो गूगल बाबा पे सर्च कीजिए जसवंथड़ा, आपको विवरण में मिल जाएगी सारी जानकारी विस्तार से। और आगे का मूवी का शूट कहाँ से लिया गया वो आपको मैं बताता हूँ उस गाने का। और फिर बाद में इस जसवंथड़े के अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा बताते हैं कैसा क्या बना हुआ है। अभी इधर से नीचे चलते हैं, एक शॉट यहाँ आगे से ले रखा है उस गाने का, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, इधर आप देखिए देखो। मारे हिमड़े मिन्ना से मोर, दोस्तों एक यहाँ से सीन लगकर ले रखा है जो ये सारी छतरियाँ वगैरह बनी हुई है। यहाँ से मैं आपकी स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट लगाता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ से उसी गाने का। और दोस्तों इस जसवंथड़े को बनाने में उस टाइम करीबन 2.5 लाख से अबव पैसा लगा था। उस टाइम में बहुत उस पैसे की वैल्यू थी, आप लोगों को पता ही है। आपके घरों में जो बुज़ुर्ग हैं उनसे आप पूछ सकते थे 1 रुपये की क्या वैल्यू थी, तो 2.5 लाख रुपए से ये बना था पूरा पूरा जसवंथड़ा। यहाँ से ले रखा है एक शॉट, ये सारी छतरियाँ उस गाने के अंदर आपको दिखेगी। मैं आपको इधर उधर घूम घूम के दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें। अभी चलते हैं एक वो जसवंथड़े के ऊपर में, वहाँ से शॉट है इस गाने का वो दिखाते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलेगी।
ये देखिए दोस्तों, अब धीरे धीरे शाम का मौसम हो गया है। इधर से ले रखा है एक शॉट, ये देखो शानदार छतरियाँ। अच्छे से वापस दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ, अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर का आपको व्यू बताते हैं पूरा। दोस्तों अभी मैं जसवंत थड़ा के ठीक सामने आ गया हूँ और यहाँ का एक शॉट है वो भी आपको दिखाता हूँ, और फिर अभी ऊपर आ गए हैं तो अंदर से भी आपको दिखाते हैं पूरा अच्छे से। चलिए चलते हैं। ये है जसवंत थड़ा के ठीक आगे से खड़े हो गए, ये सामने का सीन, शानदार व्यू। ये है दोस्तों इधर जोधपुर की पहाड़ियाँ और इससे सटा हुआ है ये जसवंत थड़ा। और दोस्तों लास्ट सीन है जो यहाँ से ले रखा है, यहाँ से इसी के अंदर से आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देखिए आप। अभी चले अंदर, चलते अंदर चलते। ये है अंदर जाने का गेट, यहाँ ये मार्बल जो मकराना से ला रखा है। ये अंदर का व्यू, राठौड़ ऑफ मारवाड़ जोधपुर। महाराजा सुमेर सिंह की तस्वीर लगी है और महाराजा दशरथ सिंह की, इधर महाराजा तरत सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा भगत सिंह, महाराजा राम सिंह, ये महाराजा अभय सिंह, ये है दोस्तों महाराजा अजीत सिंह की, और इधर है महाराजा दशरथ सिंह फर्स्ट। ये है अंदर का व्यू, ये है आंगन यहाँ का, ये सामने इधर मार्बल की टेबल रखी हुई है और उधर तस्वीर है जसवंत सिंह की। जूम करके दिखाता हूँ आप देखिए। ये है दोस्तों राजस्थान का ताजमहल, जो ताजमहल के अंदर पत्थर यूज में है वही पत्थर इसी जगह में काम ले रखा है, जहाँ से मकराना से ही ताजमहल के लिए पत्थर गया था और मकराना से ही यहाँ जसवंत थड़ा के लिए पत्थर आया था। इधर सामने और बनाया हुआ है, तस्वीर रखी हुई है सामने। इधर और ये महाराज राजाओं की तस्वीर है, राव दिखा, राव सुजा, राव जोधा, राव हेडमल, राव चुंडा, राव विराम देव, राव सुलखा, सुलखा, राव टीडा, राव तांडा, राव तलांसी, राव अंड, अलगी पल है क्या पता नहीं, राव रायपाल, राव वध, राव अस्पान, इधर राव सिया का है। यही मार्बल की जो टेबल है यहाँ पर रखी हुई है दोस्तों, देखिए आप। मैं फर्स्ट बार देख रहा हूँ ये पत्थर की टेबल, ये शायद इधर चिपकाई हुई है, पहले टूट गई होगी। और इधर एक और पड़ी है पत्थर की, मार्बल की टेबल। अभी दोस्तों गर्मी का मौसम है तो हम लोग इस आंगन में बैठ गए हैं, थोड़े फील कर रहे हैं इस कलाकारी को, इस भव्य महल को, राजस्थान का ताजमहल। और इधर ये मेरी व्लॉगिंग देखकर हंस रहे हैं, मेरा वीडियो देखकर, और साथ में अपनी घरवाली से बात कर रहे हैं। दोस्तों हम अंदर बैठ तो गए हैं पर यहाँ पर गर्मी बहुत है और पंखा भी नहीं है, हालांकि बैठना नहीं चाहिए, देख कर हमको बाहर चले जाना चाहिए। चलते हैं बाहर। तो दोस्तों ये था जोधपुर का जसवंत थड़ा, मारवाड़ का ताजमहल, और जो हम साथ साथ मूवी थे वो की फिल्म की यहाँ पर आपको लोकेशन बताई। तो दोस्तों ये था जसवंत थड़ा, आप लोगों को बता दिया है और हमने भी देख लिया है, और जो गाने की शूटिंग यहाँ पर लोकेशन थी वो भी आपको दिखा दी है, और इसी गाने की आगे की शूटिंग लोकेशन है वो मेहरानगढ़ किले के अंदर है,
तो जब मेहरानगढ़ के अंदर जाना होगा तो आपको वहाँ की लोकेशन वगैरह, गाना कहाँ पे शूट हुआ, ये चीज़ भी बताएंगे। और मेहरानगढ़ पूरा है जो उसका पूरा विजिट करेंगे, आपको दिखाएंगे। तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप हम लोग को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टिल देन टेक केयर, जय माता दी की।